और फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आपको एक छोटी मगर काम की बात शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, क्या करूँ। कुछ गए बीते दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझसे किसी बड़े बुजुर्ग ने ये चीज़ कही थी, वही चीज़ मैंने उससे बोली और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुआ और बहुत ही उसको रिलैक्स फील हुआ। मैंने उससे ये बोला कि सिंपल सी एक चीज़ सोच, अगर मैं तुझे अभी एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है, तो तू हंसेगा। मैं तुझे वो जोक आधे घंटे बाद फिर सुनाऊँ तो तू थोड़ा हंसेगा। उसके आधे घंटे बाद और सुनाऊँ यही जोक सेम, तो तू उससे कम हंसेगा। लेकिन अगर मैं तुझे चौथी बार या पाँचवीं बार वही जोक सुनाऊँगा तो तू, हो सकता है, मुझे इरिटेट होके बोले, क्या यार वही जोक बार बार सुना रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा। दोस्तों, शायद आपको पॉइंट समझ में आ गया। जैसे एक जोक आपको बार बार नहीं हंसा सकता, एक जोक आपको बार बार नहीं आनंद दिला सकता, वैसे ही मुझे सिर्फ इतना बताइए, और मैंने अपने दोस्त से पूछा, वैसे ही तू मेरे दोस्त बता कि एक परेशानी तुझे बार बार कैसे परेशान कर सकती है। एक चीज जो हो गई वो बार बार याद करके परेशान होना तो सिंपल सी मूर्खता है, सिंपल सी चीज है। एक जोक आपको बार बार नहीं हंसी दिला सकता, नहीं एंजॉयमेंट दे सकता है, उसी प्रकार आपको एक परेशानी, एक जो जो चीज हो गई है, वो चीज आपको कैसे टेंशन में डाल सकती है। तो वो भी मेरी बात से एग्री हुआ और थोड़ा, तो दोस्तों ये आप भी करके देखिएगा, सोच के देखिएगा, और मेरी अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ बात सही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर दोस्तों अभी तक नहीं किया है। आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे और मैं आप लोगों से अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा।